दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे अच्छी रामलीला इंडोनेशिया में होती है। आपकी पूजा पद्धतियां बदलती है, आपके धर्म बदलते हैं, आपकी संस्कृतियां कभी इतनी जल्दी बदलती। संस्कृतियां कभी धर्म पे डिपेंड नहीं करती, कल्चर हमेशा क्षेत्र पे, भूगोल पे डिपेंड करती है। परंपराएं जल्दी से टूटती नहीं है, इसलिए अभी तक भी कायम खानियों के जो रीति रिवाज है उनमें ज्यादा कोई चेंज आ ही नहीं पाया। 600-700 साल बीत गए उन बातों को। कायम खानियों के नाम भी एकदम आपको वैसे मिलेंगे, भौरू खां, राजू खां, काड़ू खां। महिलाओं के नाम वैसे मिलेंगे, भौरी, कमला, विमला, इस प्रकार के नाम एकदम हिंदू नाम मिल जाएंगे। यदि कभी आप कायम खानियों की शादी में चले जाओ तो आपको लगे आप टिपिकल कोई राजपूतों की शादी के अंदर हो। सारे के सारे पुरुष जो होंगे वो साफे बांधे, दूल्हा तो पूरा एकदम केसरिया साफा बांधा, घोड़ी पर बैठ के जाएगा, एकदम तोरण मारेगा। महिलाओं के कपड़े एकदम टिपिकल राजपूती पोशाक जो होती है, तो चौहान ज्यादातर सेना के अंदर होते होंगे। अभी भी झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू साइड में जो कायम खानियों गाँव है वहाँ पे फौजियों की भरमार है। आजादी के बाद में राजस्थान में जो शहीद हुए हैं उनके अंदर आप यदि शौर्य चक्र, महावीर चक्र ये नाम देखेंगे तो उसमें कायम खानियों के भरपूर नाम।